नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 17 दिसंबर को जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अब सभी लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आने से पहले क्या क्या प्रोसेसिंग होने वाली है। बट उससे पहले आपको बता दें कि एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आ रही है रेलवे की तरफ से। उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। उस वीडियो के अंदर पूरा एनालिटिक किया गया है कि किस जोन में कितने लोगों ने एग्ज़ाम को अटेंड किया है और कहाँ से कितनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी डिटेल जितनी भी है सब कुछ उसमें बताया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा पॉइंट है, लगभग 7 से 8 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर जो हमारा पॉइंट है, तो 17 दिसंबर को हमारा अंतिम जो है तो एग्ज़ाम था। आपको पता है 17 दिसंबर को रेलवे के एग्ज़ाम जो है तो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब एक तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई कि हम लोग जैसे रिज़ल्ट पर वीडियो बनाते हैं तो कई लोग कह रहे थे कि अभी तो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है या फिर कई एग्ज़ाम होने बाकी हैं, तो इसकी प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी है। लगभग सभी के एग्ज़ाम जो है तो समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर पॉइंट है, तो आप सभी लोग वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। बट उससे पहले आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले आपकी आंसर की जारी की जाएगी, और उसके लिए लगभग आपको 17 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो वो आप समझ सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे देखते हैं, अंतिम दिसंबर या फिर शुरुआत जनवरी के फर्स्ट वीक तक या फिर लास्ट दिसंबर तक आपकी आंसर की आ सकती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस तरह से न्यूज़ आ रही है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट है, इसके बाद आपका जब आंसर की जा रही होगा तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, वक्त दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, क्योंकि अगर रेलवे से कुछ भी मिस्टेक होती, गलती होती है आंसर की में, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपका चला जाएगा लगभग जनवरी का 15 तक, ठीक है, 15 से 20 तक चला जाएगा, यानी 1 से 2 हफ्ते तो आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद एक हफ्ते बाद सही आंसर की आएगी, यानी जनवरी के 4th वीक तक आपकी जो राइट आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन का मौका नहीं दिया जाता, हालांकि उसके बाद ज़रूरत होती ही नहीं है, जो भी गलती होती है आप लोग सब पहले ही बता देते हैं। इन सब के बाद फरवरी में आपका रिज़ल्ट जो है तो जारी किया जाएगा लगभग 2nd वीक तक, यानी दूसरे हफ्ते तक आपका रिज़ल्ट आने के पूरे मैक्सिमम चांसेस। ये वीडियो इसीलिए है कि आप समझ जाएं कि रिज़ल्ट आने तक आपका क्या प्रोसेसिंग होने वाला है। उसके बाद होगा आपका लगभग फरवरी लास्ट या मार्च 1st वीक तक मेडिकल और फिजिकल पहले होगा, उसके बाद नॉर्मल से मेडिकल, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन लास्ट में सबसे आपको मिलने वाली है आपकी ज्वाइनिंग, जो कि लगभग अप्रैल में हो जाएगी। तो इसमें जो भी मैंने बताया वो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें मैंने बताया है कि कैसे आपको क्या मिलने वाला है। तो एकदम से ये लाइन से चला है, और जो टाइम बताया है वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में आता है। उसमें थोड़ा सा कम भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि कम होगा, थोड़ा सा अधिक ज़रूर हो सकता है, बट आप कह सकते हैं कि एकदम राइट इन्फॉर्मेशन है। तो एक जैसे कि मैंने बताया, एक वीडियो आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो एनालिटिक की वीडियो रहेगी, उसको ऑफिशियली जारी किया गया है। तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।